नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। एक तरफ जहां बिहार में कई नदियां उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ इन नदियों पर बने पुलों का गिरने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सरकार और पुल का गिरना आपके लिए बड़ी बात हो, लेकिन अगर आपका ताल्लुक बिहार से है तो आपके लिए कोई नई घटना नहीं। इस साल देश भर में करीब 15 पुल भ्रष्टाचार के दबाव में आकर ध्वस्त हो चुके हैं। इसमें 12 पुल बिहार में गिरे हैं और वो भी महज 15 दिनों के अंदर। गनीमत मानिए कि पुलों के ढहने से कोई हाथरस जैसी घटना नहीं हुई, नहीं तो भारी संख्या में आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। लेकिन बिहार में मानो तो जैसे पुल गिरना रेत रेत के घरौंदे का ढहने जैसा हो। क्या नया क्या पुराना, एक एक करके सभी पुल जल समाधि ले रहे हैं। पुल गिरने का रिकॉर्ड तो ऐसा है कि मानो राज्य सरकार से प्रतिस्पर्धा कर रहा हो कि कौन कितनी बार गिरता है। लेकिन सरकार गिरने के आंकड़े अभी भी पुल गिरने से ज्यादा है। खैर, राज्य में बुधवार को तो हद ही हो गई, जब यहां एक दिन में सिवान और छपरा में 6 पुल ध्वस्त हो गए। अब नीतीश कुमार तो पाला बदलकर अपनी कुर्सी बचा लेते हैं, लेकिन बेचारे पुल जाएं तो जाएं कहां। पिछले 15 दिनों में मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सिवान, छपरा जैसे जिलों में 12 पुल ढह चुके। इसमें कई पुराने थे तो कई साल भर पहले ही बने थे। तो बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर में एक निर्माणधीन पुल तक गिर गया। खबर इतनी ही नहीं है, क्योंकि जब 12 पुल सिस्टम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं तो 13वें का इंतजार हो रहा है। बिहार के रोहतास में सोन नदी पर एक निर्माणधीन पुल के पिलर में दरार पड़ने की जानकारी मिली। ये पुल करीब 196 करोड़ की लागत से बन रहा है। गिरने वाले पुलों में कुछ पुल तो ऐसे हैं कि एक बार नहीं, कई बार गिरकर फिर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी गिर गए और गिरते ही गए। बिहार और राजनीति दोनों समांतर है। अगर किसी मुद्दे पर राजनीति नहीं हो तो यकीन मानिए वो कोई आम घटना है, जिनके होने या ना होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बाढ़ प्रभावित इस राज्य में विकास इन्हीं पुलों के जरिए गुजरता है। ऐसे में अगर मुख्य मार्ग प्रभावित हो जाए तो फिर एक दो आरोप तो बनते ही। नीतीश कुमार के मंत्री ने राज्य में पुलों के गिरने का ठीकरा पूर्व पद निर्माण मंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के ऊपर फोड़ दिया। उन्होंने बोला कि पूर्व उप मुख्यमंत्री ने डबल इंजन की सरकार का जो इसका जिम्मेदार ठहराया गया है, मगर सवाल भ्रष्टाचार के दबाव में टूटे पुलों को बचाने के क्या उपाय हो सकते और इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। आती भी कैसे, जब जिम्मेदार पक्ष और विपक्ष दोनों ही हैं। भारत की राजनीति दिल्ली में मौजूदा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के ब्रिज इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर डिवीजन के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार गर्ग की रिपोर्ट के सामने आया कि भारत में 80% से ज्यादा पुल प्राकृतिक हादसों की वजह से गिरते हैं। इसमें बाढ़, भूकंप, आंधी जैसे प्राकृतिक आपदा शामिल है, जबकि बाकी अन्य कारणों से गिर जाते हैं। इसमें भ्रष्टाचार के वही आंकड़े हैं। करीब 5% से ज्यादा पुल डिजाइन और निर्माण की गलती की वजह से गिरते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में पिछले कुछ साल में सड़क और पुल के निर्माण पर खर्च बढ़ा है। साल 2014-15 में जहां सड़कें और पुल निर्माण में 8.28 अरब डॉलर खर्च हुआ है, तो वहीं साल 2018-19 में यही आंकड़ा बढ़कर 21.88 अरब डॉलर हो चुका है, जो साफ साफ दर्शाता है कि पुल क्यों गिरते हैं। इस मुद्दे को लेकर बिहार में लगातार जो ये पुल गिर रहे हैं और इस पुल के भ्रष्टाचार को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।